क्या तू गोपीचंद है? हाँ। कहने लगी अच्छा, सुन गोपी चंद के बेन सुरक भय नैन के बांदी बोले, और तेरी पीठ में बांस लगाऊंगी सोले, और तेरी पीठ में बांस लगाऊंगी सोले। गोपी चंद भूप अरे बेवकूफ मत, कले जो छोले न कले जो छोले, तू छलिया जोगी छल कर बे को डोले, तू छलिया जोगी छल कर बे को डोले। अरे तेरो दिमाग खराब है, तेरी पीठ में 16 बांस लगाऊंगी अगर तूने बकवास करी। अरे गोपीचंद बामनगढ़ को राजा है, ओ ढोंगी तू साध उस बहन को छलने के लिए आयो है। अरे जो चंपा दे सुन पावे, तेरी पकड़ के दी करवावे, और भकसी में तोई डरावे, और नोनन में फांसे ठुकवावे। हट जा जुगेला मेरे द्वारे से, तेरी मौत रही है मोबाइल, है बड़ो सो राजा बामनगढ़ में बको राज दिखाए। सुन के बानिए आज बांदी की गोपी चंद गौ तो क्रोध में आए। सुरखी आई गई पीने नन में, दांती पीस पीस रह जाए। एकदम से कहने लगी है बांदी, अगर चंपा देन सुन ले तो तेरी नोन में फांसे ठुकवाई दी। अरे गोपीचंद बामनगढ़ को राजा है, बुकवाऊ महात्मा नाय होएगो। एकदम से गोपीचंद कहने लगा, ओ औरत अगर मैं तेरे ऊपर हाथ छोड़ूंगा तो हमें दोष लग जाएगा, लेकिन एक बात सुन ले। ओ बादी बदकार नंदा बचन न उचार में गुस्सा रोकूं, जो तो पे छोड़े हाथ उरी के दोष लगिए मोकूं। अमीरी दई फकीरी लई कहा लो तो कु कहा लो गोकू, एक दिन वो ठगनी मोल खरीदो तो कु, एक दिन वो बेहा मोल खरीदो तो कु। शायद तू नहीं जानते ओ बांदी, अगर मैं तेरे ऊपर हाथ छोड़ूंगा तो हमें दोष लग जाएगा। मैं भाई गोपी चंद हूं, जब मेरी बहन की डोली उठी थी तब हमने तुझे 3 लाख में खरीद करके इसकी डोली के साथ किया था, और तू कह रही है कि हमारी पीठ में 16 बांस लगाएगी। बांदी कहने लगी, और चला जाए यहां से। अरे राजी बाजी ले जा भीख तरक जा पाजी बाबा जी, राजी बाजी भीख लेकर के वो बाबा जी यहां से चला जा तू। अरे मेरी बहन इतनी भोली ना जो तेरी बात न में आ जाएगी। अरे तू हमें मालूम पड़ रहा है कि मेरी बहन को छलिबे को आयो है। गोपीचंद कहने लगा, तू जाए कि चंपा दे से कह दे, बमो पहचान लेगी। बांदी कहने लगी, मैं तो पहचान लेती, जवाब दो मेरे शरीर पे भस्म रमी है, तासो में तेरी नजर में गोपीचंद ना आए रहो। एकदम से बांधी गई।
और बांधी गई बीच आंगन में बैठ गई। चंपा दी कान लगी, क्या बात है? का जादू, का जादू तो पे कीनो है बा, साधु ने चित्त तो पे दीनो है का। तेरो बोलू काढ़ा तो या तीनो है या धार कहा तूने कीनो है तेरो। बोल कैसो कर रहे हो तेरो, कब जादू तो नहीं कर दिया उस जुगेला ने? एकदम से कहन लगी, जोगी तो हमें जादूगर ही नजर आ रहे हो बहना, वो तो जा कह रहे हो कि मैं गोपी चंद हूं। ए? हाँ, एकदम से चंपा जी कहने लगी, गोपी चंद महात्मा? अरे पगली, साज बहकाए तो ना दो। एकदम जवाब दिया, मैं सच कह रही हूं, आप चल करके देख लो। सोई चंपा दी दरवाजे पर पहुंची और कहने लगी, ये जोगी के लाल भीख ले जा। सोई गोपी चंद कहने लगा, बहना मैं तेरे दर्शन को आया हूँ, मैं जोगी ना हूँ, मैं तेरो बीरन गोपी चंद हूँ। दांती को पीस के कहने लगी, कमीना हमारा भैया बन के आया है। सुन गोपी चंद के बहन सुरक भय ने न गिरा उचारी, तेरी मौत गई है आय रे के छलिया यारे भिकारी। बको बामन घर में राज तखत और ताज, संपदा सारी, संपदा सारी। 1600 घर में भाभी है बस रही अरे हमारी। मेरो भैया जोगी न हो बेगो क्यों, जान मुफाते में तू खो बेगो मेरो। मेरे भैया ते तो बेरा दाओ है, तासो मोई छली बे को आओ है मेरे। मेरे भैया तो तेरी कति दुश्मनी है, तासू तुम वो छलिबे को आओ है। और जाओ मैं जानती हूँ कछु दुश्मनी न होती तो तू यहाँ ना आया तो, लेकिन मैं इतनी भोली ना हूं जो तेरी बात में आ जाऊंगी। मेरो भैया गोपी चंद कभू महात्मा ना होएगो। एकदम से आंखन में आंसू भर के गोपी चंद बोलो, बहना तूने मोई पहचान ना पायो, एकदम से जवाब दो। मेरे भैया के पैर में पदम है, मेरे भैया के माथे पर चंद्रमा है, लेकिन एक और लक्षण तो में ना नजर आए रे। गोपी चंद कहने लगा, बहना मैं नंगे पैरों आयो, मेरे पगों में धूल लगी है, मेरे माथे पर भी भस्म रमी तासु चंद्रमा नजर ना आए रो। मैं तेरा बीरन गोपी चंद हूं। और इतना कहकर के गोपी चंद अपनी खोपड़ी को पकड़ के रोने लगा। एकदम से कहने लगी, ठीक है अगर तू मेरो बीरन गोपी चंद है तो एक बात बता दे। कहा, जा दिन मेरो ब्याह करो और द्वार बराई त्याई रे। अगर तू मेरो भैया है
और कौन कौन सो भोजन तूने वहां पे दारो बनाई रे। बोल। और मेरे महल को दरवाजो है कितकों दिए बताई रे। और दान में काका दाओ हमें सो दीजे अबे गिनाई रे। बोल जादन बरात हम आई गई है तादन कौन कौन भोजन बनाए तूने और जब बता दे मोए दानम तूने मोए काका दयो है और जब बता दे कि मेरे किला को दरवाजो कितने को है सोई में जान लूंगी कि तू मेरे भैया है। तो गोपीचंद कहन लगो सुन ले बहना। और जादिन तेरो ससुर बराई तिले के द्वार पे आओ रे। और दक्षिण की ओरी बहना जनवा सो हरी बनाओ रे। धूम धाम ते बहना मैंने तेरो ब्याह रचाओ रे। और 56 प्रकार को भोजन बरात बालों को तो जिमाओ रे। और किला को दरवाजो पूरब को मैंने सांप बताओ रे। और 17 जोड़ी घोड़न की और हाथी संग गहाओ रे। और सुन ले बहना जा दिन डोली उठी थी तेरी बांदी मोल मंगाई रे। और बहे तो बांदी ओ बहना मोए भी कदार बेकुआई रे। बोल मैं तेरा भैया गोपीचंद हूं। बैन कहने लगी चुप रहे। तू डोलो चारों खूंट बोल रहो झूठ भेद ले आओ या तू मेरी गौ बरात रे के पांच जे के आओ। अरे पांच जे आओ पांच जे आओ पांच जे आओ पांच जे आओ तू मेरी गौ बरात रे के पांच जे के आओ। नहीं जे बातें बताए वो कोई बड़ी बात है। कह तो तू चारों तरफ घूमत रहो सो भेद लेके आओ है। और कह तू मेरे ससुर की बरात मिली गो है और ता तूने सब खेल देखो तू मेरे भैया ना है। मेरे भैया कब महात्मा ना होएगो और मेरे भैया जा दिन महात्मा हो जाएगा ता दिन मैं जिंदा भी नहीं बचूंगी। अब मैं ये पता लगाने जा रही हूं तू यहीं बैठो रही है मैं देखूंगी जाकर के पियर में मेरे वीर वास्तव में महात्मा है गया। मेरे भगवत प्रेमी हो आज बहन कहन लगी यो बांदी जब महात्मा को जैसे जी में जाके आए वैसे भोजन जिमाइये। और ओरे साधु अगर तू मेरो भैया है तो द्वारे ते भारी मत जाइए मैं जाके अपने पियर में पता लगाऊंगी कि मेरो भैया गोपीचंद महात्मा कैसे है गयो। रथ सजाए लो गोपीचंद धूनी रमा के द्वार में बैठ गो। जे समय रथ में बहन बैठी है बंदी वो बड़े बड़े बुरे हसकुन भाई धारो पे नी पे पाओ
हाथ ते बल्ली छूटी रथ में बैठ न पाई गूंज न सुनी की टूटी जन धरो पे जनी पे पाओ हाथ ते बल्ली छूटी रथ में बैठ न पाई गूंज न थुनी की टूटी याद रहे लोगों पति के मरने पर ही बहन राण नहीं होती है। भैया घर छोड़ के निकल जाए तो समझो बहन राण हो गई। लख के नथुन की दिशा बेन मन में घबराई बुरी तो घड़ा लेके सकी लली के समय आई री तो घड़ा जब लखो बहन मन में बिलखानी सूखी डाल पे कौआ बोल रहो अपनी बानी रकत जाए रथ जको ररकत जाए लली जब पीहर में आई धोरा गड़की लख के दिशा बहन मन में दहलाई खूटन पे बदी खाल सब सूखी भाई और किला के कंगूरा ढुके के नीचे बो गए आई जाकी बन के बिगाड़ी दीनानाथ जाकी बन के बिगाड़ी दीनानाथ जाकी समझावे जिनकी चढ़ी रे लगुन फिर जाए अरे उनके जियर बे को समझावे शेज पे चढ़त जो नार मर जाए उनके जियर है को समझावे जिन पे पुत्र के शोक पर जाए बहन के जियरे को समझावे पीहर सुनो परो दिखाए तो
पियर की दशा को देख करके चंपा दी व्याकुल हो गई। पहली चोट ये पहुंची जाकर सीधी सीधी अपनी भाभी के इधर बद्दी पहुंची, जो रतन कुमार ने अपनी नंद को देखो है, नंद को कलेजे से लगाने लगी है वो भावज। के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माय, के दुख जाने मा चली जहाट हाट बिकाए। आवत देखी नंदो भाई मत मंद मिलन को धाई, भर लई नंद दुलकी जे तरे के बहुत अब हर साई। हर सास की जाई सोने को गड़ुआ हाथ दे के पानी भर के लाई। सोने को गड़ुआ हाथ दे के पानी भर के लाई। के शरीर को देखा है, जब से गोपी चंद योगी हुआ है तब से मानो घर ही बैठे बैठे भाभी योगिन हो गई हो। एकदम से कहने लगी है, भाभी ओ भाभी तेरी दसारे न देखी मो पे जावे, देखो ओ भाभी तेरी दशारे ना देखी मो पे जावे, तेरे फूल सो चेहरा के सोरी के भाभी देख मिलावे। महाराजा तक गई अद पर में नैया, और भाभी दिए बताए गए हैं कि मेरे भैया, और भाभी दिए बताए गए हैं कि मेरे भैया। ये बता दो भाभी ये भैया किधर गए। सोई आंखन में आंसू भर के रतन कुमार बोलिए, बहना मेरी सासु को बिजली दसे पिया को जाने जोगी दाव बनाई रे, और हमें छोड़ के बाल मने अर बन की सूरत लगाई रे। खूबन ठुरता धारी रे, और मोई छोड़ के रमिए हैं बनखों बे बिरन हजारी रे। तुम्हारे भैया मुझे छोड़ के चले गए,
सुन के बेनक चंबा दे मन में घबराई रे। ओ उलटी खाए पछार गिरी जाए हो सुरहो कछु नाही रे। चंपा दे पछाड़ खाके गिर पड़ी और क्या कह रही है, अरे दिल में ना धीर धरूंगी, अरे दिल में ना धीर धरूंगी और मैं पानी में डूब मरूंगी। अरे मैं आत्म घात करूंगी और मैं खाए के जहर मरूंगी। भाभी धीर को धरैया नाय बिन भैया के जो पीहर सुनो। रही मरोरा मार धीरे धीरे भाजत जावे। मैया के आंगन में पहुंच गई जाए मैना मती से बहन कह बोली। अरे मेरी बेरने मैया हो चई न डारो तेने मार मेरी बन के बिगाड़ी दीना नाथ मेरी। आज इस समय चंपा दे को पता लगाया कि भैया गोपीचंद जोगी है गयो, सोई अपनी भाबर के आंगन में से निकल के अपनी मैया के आंगन में पहुंची है। मैना मंती जो है आज चंपा दे को कलेजे से लगान लगी, लेकिन बहन कहने लगी, अरे दुष्टिनी माँ तू नांगन है, मेरे शरीर से लगने की कोशिश मत कर। भैया तो जोगी कर दो ऐसी कठिन छाती करी, खाओ न करिया नांगने ना बिजुली तो पे परी। अरे माँ है तू के कसाइन है, जाती हूं मैं जाती हूं मैं तेरे न जीवताओगी, देखूं न मुख तेरो कभी तुझको न मैं दिखलाऊंगी। मैं जा रही हूं कहां कहूं जवान बिगारूं, अरे तेरो जनमन द्वार निहारूं। ओ कसाइन मैया मैं तेरे दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगी। और कहा बोली है, कैसे कही तुन जोगी हो जा रही के दिल न धर रो धीरा। तादम बरी न जी बरी परे नहीं मैया कीरा। मेरी माँ तो दुख में दूनो हुईया है, बिन भैया के धोरा गड़ के सुनो हुईया है। भैया 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 के बहन धरती पे गिर गई है, यारो भैया भैया के बहन धरती पे गिर गई है। अब तो भैया भैया के बहन धरती पे गिर गई है। धरती पे गिर गई है बहना धरती पे गिर गई है। अब तो भैया भैया के बहन धरती पे गिर गई है। आ
लगी है। अरे तेरी जीव नहीं जली जो तूने मेरे वीरन को जोगी बना दियो, अब मैं तेरे दरवाजे पर कब हम ना आऊंगी। और बंधु आकर के रथ में बैठ गई है और चंद देते हैं। अरे खन्ना रथ खाई झकोरा, अरे खन्ना रथ खा तू झकोरा, भारत जात भगे तम बढ़िया कोकन लागे मोरा, अरे खन्ना रथ खाई झकोरा, तू खाई झकोरा। बढ़िया भारत जाई बहन अब पीहरत धाई, मन में सोच तू जाए न उठ के चलो गौ भाई, हार बलिबान पेश न होनी ते जाई, भारी मंजिल करके लली ससुरे में आई। अरे जा रोबत जावे बहन जो रोबत आवे, द्वारे पे पहुंची कैसे आई, बहन जो रोबत आवे द्वारे पे पहुंची कैसे आई, बहन जो रोबत आवे द्वारे पर आई है। बंधु रथ में से एकदम से कूद पड़ी है और अपने भैया से मिलवे के लाइन जो भागी है। सोई गोपीचंद पिछेला को हट गया और कहन लगो कहा बात है बहन, हमारे नोहन में फांसे ठोके ही क्यों आ रही मेरी तरफ। एकदम से बहन टकटकी बांध के देखन लगी और कहन लगी वीरन तूने गर्व कर दियो, अरे जोगी होकर के तूने धौरागढ़ सूनो कर दियो। तो गोपीचंद बोलो है बहना, अरे हम तेरा ये दूर का बहना पासन मेरे आइए री, तेरी चूंदर मैली होए खाकत जामे भस्म रमाए री। बहना मोर छाती से मती लगाइए क्योंकि तेरी बड़ी कीमती चुनरिया है, मैली हो जाएगी मेरे शरीर पर राख दमी है। मेरे तन में रम रही भस्म बहन तेरे बदन तो मैलो होयेरी, मेरे तन में रम रही भस्म बहन जे बदन तो मैलो परेरी, और सीना में मोह को लेके अब मेरी बहना तू का करेरी। आगे मत आना बहना, मेरे शरीर पे भस्म रमी है। तो का बोली बहना, अरे चूंदर तो भैया मैं अब और मोल मंगाऊंगी, अरे चूंदर भैया मैं तो और मोल मंगाऊंगी, तेरो जैसो भैया अब मैं कौन जन्म में पाऊंगी। अरे भैया चुनरिया तो मैं और मोल मंगा लूंगी, लेकिन तेरे जैसो वीरन मोल ना मिलेगा। और एकदम से बोसने गोपीचंद को अपनी बाने में भर ले और फपक फपक के बहन चंपा दे रोने लगी, भैया
छाती करके बिरना जोगा रे रमाओ। क्या बोली है? और भाभी छोड़ के भैया रे, और भाभी छोड़ के बिरना रे के घर से तू भजियाओ। गले लगा लीजे। क्या मैं तेरी बहना नहीं हूँ? मैं तेरी बहन हूँ। क्या तेरी बहन में ना है तुमों को गले लगा लीजे। भैया तेरे बिन जा दुनिया मोको सुनी लग रही है। भैया तेरे बिन जे दुनिया मोको सुनी लग रही है। बिना तेरे बिन जा दुनिया मोको सुनी लग रही है। सुनी लग रही है जा दुनिया सुनी लग रही है। भैया तेरे बिन जे दुनिया मोको। भैया अब मुझे गले से लगा ले वीर, और अब मैं तो एक मिनट को ना छोड़ सकूंगी। और का बोलिए? मेरे द्वार पे धुनी रमा लीजे मेरे भैया रे। मेरे द्वार पे धुनी रमा लीजे मेरे भैया रे। तेरे बिन ना धीर धरूंगी, और मैं खाई के जहर मरूंगी। और यहीं पे ध्यान लगा लीजे मेरे भैया रे। मेरे द्वार पे धुनी रमा लीजे मेरे भैया रे। इतनी सुनी जब बहन की बानी, गोपी चंद की अब जान घबरानी। मेरे दिल की आग बुझाई दीजे मेरे भैया रे। मेरे द्वार पे धुनी रमा लीजे मेरे भैया रे। ओ आधार आधार में नैया, ओ आधार है धार में नैया। निक जाऊ को पार लगा दीजे मेरे भैया रे। मेरे द्वार पे धुनी रमा लीजे मेरे भैया रे। मेरे भगवत प्रेमियों, गोपी चंद कहने लगा है बहना, अरे मैं तो योगी हो गया, एक जगह पे ना रह पाऊंगो। इसलिए बहना मेरी एक बात ध्यान में दे लो, ये दुनिया जो है एक सपना है, और यहां कोई नहीं अपना है। इसलिए मुझे भजन करने दे बहन। एकदम से जवाब दिया है भैया, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रहूंगी, मैं अपने साथ ही ले चल। एकदम से गोपी चंद कहने लगा, तू साथ भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि मैं योगी हूं, और बहन योगिन बन के भैया के साथ जीवन क्यों गुजारेगी जबकि तुम्हारा पति मौजूद है। आप अपने पति की सेवा करो।
मैं जा रहा हूं। एकदम से कहने लगी है तुम जा रहे हो, भैया मैं तेरे बिना जिंदा नहीं बचूंगी। गोपीचंद कहने लगा कोई नहीं किसी के पीछे मरता है बहन। एकदम से जो गोपीचंद चला है, क्या हुआ लोगों? पछाड़े के धरनी पे जतवाई, भैया के दुख में मर गई रे, भैया के हगम में मर गई रे, बहन मैया जाई। एकदम से पछाड़ खाई चंपा जी ने, हाय भैया कहकर के जो गिरी है। जब लोगों ने उसको उठाया है तो उस समय बहन चंपा दे के प्राण निकल चुके थे, भैया के गम में इसका प्राणांत हो गया था। महाराज नवदिया बिल्कुल पड़ गई मंद, और बहन की देखी लहासक व्याकुल हुई गोपी चंद। यारो बहन बहन कह कर के लासजन भूत न पैलीनी, भैया बहन बहन कह कर के लास भूत न पे धरलीनी, जान बहन बहन कह कर के लास भूत न पे धरलीनी। घूटन पे धरलीनी, लास घूटन पे धरलीनी, जान बहन बहन कह कर के लाश घूटन पे धरली, जान बहन बहन कह कर के लाश घूटन पे धरली। जो बहन खत्म हुई है मेरे नौजवान साथियों, गोपी चंद ने अपनी मरी हुई बहन की लाश को अपनी घूटों पर रख लिया और रोने लगा है बिलख बिलख के, अरे बहन आज हमें पता लगा है कि भैया से बहन का कितना प्यार है। 1600 रानियों में से कोई नहीं मरी, लेकिन तूने प्राण छोड़ दिए और लाश पर मुंह पे मुंह धर करके गोपीचंद बिलख बिलख के रोने लगा। बहना ओ बहना तू कहाँ गई बहना, कहाँ गई बहना। दर्शन करबे को बहन तेरे आओ, होए के नुठर तूने प्राण गमाओ, निके खोल दे जल्दी नैना बहना मेरी, गुइया मेरी तू कहाँ गई बहना। कब उल्लास जू घूटन पे धरत हुए, बेना कह के रुदन जकरत हुए, आधार को मान ले कहना बहना मेरी,
गोइया मेरी तू कहाँ गई बहना, ऐसी बहन को निंदिया आई न भैया तो फिर आंख मिलाई, जके बंद भय दो नैना बहना ओरी मेरी बहना तू कहाँ गई बहना। आज इस तरह से जब लाश पे डकराने लगा गोपी चंद, और उसी समय उसने देखा कि अब बहन मेरी जिंदा नहीं हो सकती है, सोए गुरु गोरखनाथ को ध्यान धरो। गुरु गोरखनाथ के नेत्र खुल गए और एकदम ध्यान धर के देखो कि गोपीचंद की बहन चंपा दे मर गई है। सोई गोपीचंद उस प्रेम गुफा में से अपने गुरु जी को आवाहन के साथ बुलाता है। गुरु गोरखनाथ जी आगे कहने लगे, ओ गोपी चंद मैंने तो तुम्हें तो भिक्षा के लिए तेरी पत्नी के पास भेजो, लेकिन तू जहां कैसे आएगा। एकदम से रो के गोपी चंद कहने लगा, गुरु जी मेरी मैया ने यह कहा था कि तेरी बहन मर जाएगी, तो मैं सोचने लगा कि 1600 घर में स्त्रियां जब एक और नहीं मरी मेरी बहन कैसे मर जाएगी, लेकिन वो प्रत्यक्ष सामने आ गया मेरी बहन खत्म हो गई है। गुरु जी अगर बहन मर गई तो मैं भी जिंदा नहीं जाऊंगा। एकदम से गुरुजी कहने लगे, ठीक है हम तेरी बहन को जिंदा किए दे रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे महात्मा होकर के जाने परिवार में चित्त लगाया वो कभी महात्मा नहीं हो सकता, इसलिए आज के बाद तुम कभी अपने परिवार में अपनत्व की भावना से नहीं आओगे, समझे। गोपीचंद कहने लगा, ठीक है तुम मेरी बहन को पुनः जीवन दान दे दो, जो आप बताओगे मैं वही करूंगा। क्या किया लोगो, बहन की लाश में गुरु ने जब फूंक धर के मारी, जाकि दोनों अखियां खुल गई रे सुनियो अब सरदारी, फूटो बोल भैया गोपी चंद अरे मेरे आंगन में डोल, गोरखनाथ ने बहना को अब समझाओ, तेरा जोगी भैया हुई औरी तेरा जोगी बीरन हुई औरी तेरो हंस काय को घबराओ, मेरी लाली भजन तुम ईश्वर को करियो अपने पति के चरणों में अवचित लली धरियो, और तू हर को करिए भजन ही अन दो दिन का मेला है,
मिला है, अब तू हर को करिए भजन के बेटी। गुरुजी कहने लगे तुम क्यों नादान हो गई, अरे भगवान का भजन करो, अपने पति के चरणों में ध्यान रखो, तुम्हारा भैया तो जोगी हो गया है और मैं इसको लेके जा रहा हूँ। बहन कहने लगी भैया ले जाओ, हमें कहाँ छोड़ दो, मुझे भी साथ ले चलो। गुरु जी के साथ जब गोपी चंद चलो बहन ने पीछे चंदो, गांव के बाहर जब गोपी चंद आएगा बहन ना लौटी, सोई गोपी चंद बोलो बहना पीछे तो देखो। पीछे का है तेरे महल में लग रही आग रे बहन आए मेरी प्यारी, और चंपा देने पीछे मुड़ के निघाया रे पसारी। महाराज बहन को गाँव पिछारू ज्ञान, गोरख जी के साथक बेटा हुई यो अंतर ध्यान। दो को देखे अज बहना को बीरन भाते रमी गौ है, दो को देखे अज बहना को भैया भाते रमी गौ है, दो को देखे अज बहना को बीरन भाते रमी गौ है। भैया बांसे रम गो है, धोखो देखे अज बहना को कन्हैया। एकदम से बहन पछाड़ खा के गिर पड़ी बंधु। साथ की सखियों ने उठाया है और उठा करके बहन को महलों में पहुंचाया। बहुत देर में बहन चंपा देव को होश आता है और गोपी चंद जो है ना गुरु गोरखनाथ के साथ में वहां से चला जाता है। मैं गोपी चंद की कथा रे मेरे यार सुनाई दई गा के, और घड़ी रही है पूरे यार दो तो अरे बजा के। महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, मैं सभी नमस्ते लीजो यारो करियो माफ कसूरे। नांगन बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नांगन बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नांगन बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया। अब एक चेतावनी सुनाए आपको। एक गांव के छह जने भोले और घनश्याम, बुद्धू गोविंद राम फलवर ते राजा राम। एक गांव के छह आदमी थे, भोले घनश्याम बुद्धू गोविंद राम फलवर राजा राम। सीधे साधे मित्र थे भैया छेव यार, मिली भागवश नारियां चंचल ढीट गमार। ये छेव आदमी बहुत सीधे स्वभाव के थे लेकिन इन्हें औरतें गलत मिल गईं। और ये छेव आदमी हैं कहाँ के, ये नंगला दौलत के हैं, जयसिंह लड़का बैठा वहां के।
एक गांव के आदमी अभी आप जाकर के देखें तो 6 आदमी मौजूद हैं। एक दिन नई मंडी से जब वो लोग चल रहे थे तो हम इधर से मोटरसाइकिल से गुजरे तो इसके गांव के पास में एक पुलिया है, वो पुलिया पर 6 बैठे थे। हमने मोटरसाइकिल रोकी, हमने कहा भैया ऐसा करो हमें प्यास लगी है, तो एक पानी लाया। लेकिन 6 के चेहरा सुस्त थे तो हमने जब पूछी भैया सुस्त कैसे हो, 6 कहने लगे आधार कछु मत पूछो, घर में भकभका देवी आई नहीं तो चैनो लाइन लेन देती। हमने कहा यार तुम 6 के घर में ऐसी पत्नियां हैं? हाँ। हमने कहा यार बताओ कैसी कैसी हैं? कहने लगे हम ना बताएं, तुम कहूंगी तो और बना लियो। हमने कहा नहीं बनाएंगे, बताओ। तो बंधुओं कहने लगे नहीं बने, हम नहीं बने। अच्छा नहीं बने तो हम बताए रहे। तो पहले नंबर आएगा भोले को। भोले को हमने पूछी तू बता तेरी पत्नी कैसी, देखो इस चेतावनी से पता लगाना हमारे देश की बेटियां कहां पहुंची। भोले कहे सुनो मेरे भैया बात कहीं एक मन की, और फुअर मो को मिल गई औरत खबर ना बैठन की। कच्चे रोट ऊपर आ जैसे मोटे पतरे डारे, और टपकत जावे लार पटा पे पकड़ डींगरा मारे। और सुनो भैया आदो नमक साग में डारे कौदिन धरे अलोनो, और मेले बासन लिसे दाल के 6 दिन नहीं धोनो। और सुनो भैया बेस्वारत लड़कन को मारे बात बात पे रोबे, और दिन के 4 बजे से बरिया 17 गोड़ कर सोवे। तब हमारी शादी नहीं हुई थी, माफ करना, जब ये चेतावनी बनाई। कैसे होय गुजारो भैया जाल बुरो है जी को, आधार चेतन कहे सिनारते हम सोई क्वारो नी को, आधार चेतन कहे सिनारते हम सोई क्वारो नी को। तब हमारी शादी नहीं हुई थी जब ये चेतावनी बनाई थी, तो अब वो कहन लगो भैया मोए तो फुवरिया स्त्री मिली है, आधो नमक साग में डारे कऊ दिन आलोनो धरती है, और कऊ दिन रोटी करे तो नांद कैसो टूंक, कऊ दिन कची कऊ दिन पकी ऐसी धरती सामने। और 4 बजे थे पर रात भाई जहने पतो के सूजी मुंदे के अभी नाय मुंदे। भोले ने जो सुनाई तो हमने कही घनश्याम भैया तुम बताओ। घनश्याम कौन लगे हम नहीं बताए, हम आओ तुम गीत जरूर बना लियो। हमने कही नहीं बनाएंगे, अच्छा तुम बताओ। तो घनश्याम बोले सुनो भैया, कहे घनश्याम लड़ाकू मेरे पल्ले परी लुगाई, ओ हबाते बातें करे न माने सब बिन से समझाई, सास ससुर को कछु न समझे बे मतलब सतरावे, सास ससुर को कछु न समझे बे मतलब सतरावे, दस की बीस सुनावे बरियै चढ़ छाती पे आवे। जो में बातें कछु कहे तो नांगन सी फुंकारे, और एकदम आवे बड़े ऊपर को बाप की दारी जा रे।